स्नैन सब स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। स्नैन बाबा का वेट कर रहा है। मास्क लगाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो में हम बनाने लगे हैं एग करी। एग करी बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ। 6 हमने अंडे ले लिए हैं। फोक की मदद से हम इसमें सुराख कर लेंगे। 1 कप ऑयल लिया है। पाउडर मसालों में जो हमने लिया है, पिसा हुआ खुश्क धनिया, साबुत ज़ीरा, पिसा हुआ गर्म मसाला, हल्दी, नमक और सुरख मिर्च, ये सब पाउडर मसाले हमने 1 टेबलस्पून ले लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, सब्ज़ धनिया हमने पानी में भिगो के रखा है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। 2 प्याज लिए हैं, उसको हमने चॉप कर लिया है। 1 कप हमने दही ले लिया है। 1 टमाटर लिया है, उसका भी हमने पेस्ट बना लिया है। 6-7 हमने हरी मिर्च ली है, उसका हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडों पे सुराख कर लेंगे फोक की मदद से ऐसे। ताकि अंडे ऑयल में फटे ना। फ्राई करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने एक देचकी ले ली है, उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें अंडे डाल देंगे। अंडों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर चेंज हो जाए। अंडों का कलर चेंज हो गया है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अंडे हमने ऑयल से निकाल लिए हैं, अब हम प्याज फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल में हम सबसे पहले ज़ीरा डाल लेंगे। हमने सिर्फ ज़ीरा डाला है, आप साबुत मसाला भी डाल सकते हैं। अब हम प्याज डाल देंगे चॉप किया हुआ। प्याज को हम हल्का सा गुलाबी कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक को तब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो गया है, अब हम इसमें पाउडर मसाले डाल देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो हम बाद में डालेंगे, 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे, 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम दही डाल देंगे, 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसमें अंडे डाल देंगे। 2 मिनट हम अंडों को ग्रेवी में पका लेंगे। आज की रेसिपी माशाल्लाह से तैयार है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देंगे। बाहर मोहल्ले में शादी है तो साउंड की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। अंडा करी हमने डिश आउट कर लिया है, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना है। पिसा हुआ गरम मसाला हमने बाद में डाल दिया था, बाहर शादी है तो साउंड की वजह से मैं बता नहीं सकी आप लोगों को।
ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमें दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।